टेट सत्संग में सभी को राम राम। टेट सत्संग एक माहौल है जिसमें हम लोग टेट्स की छोटी छोटी बातें करेंगे, इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट बातें करेंगे, नई नई बातें करेंगे, अमेंडमेंट अपडेट के स्टडीज पे बातें करेंगे। इस तरीके से अलग अलग विषय पे बात होती रहेगी और वो छोटी छोटी बातें हैं जिसे करते 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 टैच सूनर और लेटर हमारे ग्रिप में आ जाएगा। रिक्वायरमेंट है कंसिस्टेंसी की कि ऐसे वीडियोज कंसिस्टेंटली बनते रहे और ऐसे वीडियोज आप व्यूअर्स कंटिन्यूसली देखते रहे, इस पे अपने कमेंट अपनी इच्छा स्वेच्छा जाहिर करते रहे। तो भैया ये टैच सत्संग बहुतों का बेड़ा पार करेगा, बहुतों को भव सागर से पार करेगा, बहुतों को एग्जाम से भी पार करेगा। तो भैया जी आज का हमारा विषय है कि यदि हम लोग कैश पेमेंट इन एक्सेस ऑफ 10,000 करते हैं तो पीजीबीपी चैप्टर में सेक्शन 48(3) है जो कहता है 100% सच एक्सपेंडिचर शैल बी डिसअलाउड। प्रश्न यह आता है कि यदि यही कैश पेमेंट इन एक्सेस ऑफ 10,000 किसी और हेड में पेमेंट हो जाए, हाउस प्रॉपर्टी सैलरी कैपिटल गेन अदर सोर्सेज, तो क्या वहां पे भी सिमिलर ट्रीटमेंट होगा, वो एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा? तो भैया जी इसका उत्तर है, उत्तर सुनने के पहले मेरा ये आपसे निवेदन है कि स्वयं विचार करें, स्वयं विचार कीजिए, स्वयं विचार करें। अब आओ बात करते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सेक्शन 48(3) जैसे का जैसा एक सेक्शन बनाया हुआ है 58 जो कि बोलता है कैश पेमेंट इन एक्सेस ऑफ 10,000 शैल बी फुल्ली डिसअलाउड। लेकिन बात बाकी जो तीन हेड है सैलरी कैपिटल गेन एंड हाउस प्रॉपर्टी, वहां पे ऐसा कोई सेक्शन नहीं है। यानी इन तीन हेड में सैलरी हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन में आप 10,000 से ऊपर का कैश पेमेंट कर भी दोगे ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सपेंडिचर विल बी रिकॉग्नाइज एंड अलाउड। फॉर एग्जाम्पल आप सैलरी चैप्टर में हाउस रेंट अलाउंस का बेनिफिट क्लेम करना चाहते हो और बाद में मालूम पड़ा कि आपने रेंट कैश में दिया इन एक्सेस ऑफ 10,000, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सेक्शन 10(13)(a) का डिडक्शंस मिल जाएगा। सिमिलरली यदि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपने इंटरेस्ट ऑन लोन या म्युनिसिपल टैक्स 10,000 से ऊपर का कैश पेमेंट कर दिया है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिडक्शंस मिल जाएगा। वैसे ही कैपिटल गेन में यदि एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर आप 10,000 से ऊपर का कैश में कर देते हो तब भी वो एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर का आपको डिडक्शंस मिल जाएगा। आई होप ये चर्चा आपको नॉलेज को एनरिच की। बोलो जय राम जी।